नमस्ते बच्चों, आपका कक्षा में स्वागत है। आज हम हमारे पाठ्यपुस्तक से एक पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है आत्मा की शिक्षा। आत्मा यानी हमारे अंदर एक हमारा ही रूप का एक आत्मा होती है। तो जैसे कि हम कहते हैं कि हमारे दो मन होते हैं, एक हम बाहरी बाहर जो लोगों को दिखाई देता है और एक मन होता है अपने अंदर, यानी वो सिर्फ हमसे बातें करता है, एक आत्मा होती है हमारे अंदर। तो वो क्या है, उसको कैसे शिक्षा शिक्षित करेंगे, ये आइए इस पाठ से जानेंगे। आपको इस पाठ से आपको सीख मिलेगी, आपके पढ़ने लिखने के अभिव्यक्ति का विकास होगा, शब्दों के उच्चारण और वर्तनी पर आप ध्यान देंगे, आत्मकथा से अंश परिचित करेंगे और व्याकरण संबंधित अपने ज्ञान होगा। आत्मा की शिक्षा, यह इस पाठ के लेखक हैं हमारे गांधी जी, तो उनका परिचय देखेंगे हम लोग। मोहनदास करमचंद गांधी, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ और निधन 30 जनवरी 1948 में हुए, जिन्हें महात्मा गांधी के नाम से सभी जानते हैं। भारत एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक ये नेता हैं। वे सत्याग्रह, व्यापक सविनय अवज्ञा के माध्यम से अत्याचार के प्रतिकार के अग्रणी नेता हैं। उनकी इस अवधारणा की नींव संपूर्ण अहिंसा में सिद्धांत पर रखी गई है, जिसने भारत को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम दिलाकर पूरी दुनिया में जनता के नागरिक अधिकारों एवं स्वतंत्रता के प्रति आंदोलन के लिए प्रेरित किया। उन्हें दुनिया में आम जनता महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। संस्कृत भाषा में महात्मा अथवा महान आत्मा एक सम्मान सूचक शब्द है। गांधी को महात्मा के नाम से सबसे पहले 1915 में राजवैद्य जीवराम कालिदास ने संबोधित किया था। एक अन्य मत के अनुसार स्वामी श्रद्धानंद ने 1915 में महात्मा की उपाधि दी थी। तीसरी मत यह है कि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि प्रदान की थी। 12 अप्रैल 1919 को अपने एक लेख में उन्होंने बापू गुजराती भाषा में बापू यानी पिता के नाम से भी स्मरण किया था। एक मत अनुसार गांधी जी को बापू संबोधित करने वाले प्रथम व्यक्ति उनके साबरमती आश्रम के शिष्य सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो से गांधी जी के नाम जारी प्रसारण में उन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करते हुए आज़ाद हिंद फौज सैनिकों के लिए उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएँ मांगी थी। प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को उनका जन्मदिन भारत में गांधी जयंती के रूप में पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस प्रकार से ये महात्मा गांधी है, किस प्रकार से उनके महात्मा, बापू, राष्ट्रपिता नाम गिरे हैं, तो यहाँ उन्होंने उसका उल्लेख किया है।